हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज जो मैं आप थंबनेल में देखे होंगे, एलियनवेयर डेल का जो काफ़ी दाम लैपटॉप होता है, मतलब काफ़ी दामी लैपटॉप होता है, प्राइस कम से कम मिनिमम 1 लाख से ऊपर होता है। लैपटॉप देखिए आपके पास रखा हुआ है, मैं आपका पूरा का पूरा मतलब ये लैपटॉप जो है एक कस्टमर का था जो कि मुझे सेल कर दिए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम अभी पता भी नहीं है। और ये मुझे सेल उन्होंने किया है 10,000 में। तो अभी मैं देखूंगा इसमें, मतलब वो तो बोल के गए हैं 16 GB रैम है, आपका SSD है प्लस हार्ड डिस्क है, तो क्या है क्या नहीं है पता नहीं है मुझे, मैं चेक करूंगा। सबसे पहले इसका जो चीज़ है मैं आपको दिखाता हूं। इसका आप अडेप्टर देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। अडेप्टर आपका ये देख सकते हैं, अडेप्टर जो है ये आपका इतना बड़ा अडेप्टर है। आप देखिए लैपटॉप का इतना बड़ा अडेप्टर, भाई कितना बड़ा, मतलब आप हाथ में लेंगे तो कम से कम 3-4-5 kg का तो वज़न हो ही जाएगा। तो ये तो बैग में कैरी करना पॉसिबल नहीं होगा, इतना बड़ा लैपटॉप। ये केवल आप होम यूज़ ही कर सकते हैं क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, गेम ही खेल सकते हैं, बाहर में कैरी करना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 240 वाट का ये आपका अडेप्टर है। तो लैपटॉप क्या होगा, लैपटॉप मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर लोगो देख सकते हैं इस तरह, ये लैपटॉप में कितना, मतलब ऊपर का हिस्सा बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी भारी है, मतलब वेट भी बहुत है। कम से कम तो आपका 10 kg का लैपटॉप तो होगा ही आराम से, देख सकते हैं आप। तो पीछे का मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, इतना भारी है। पीछे का देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये मॉडल आपका जो है, ये मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हाँ मॉडल लिखा हुआ P31E, ये मॉडल है P31E, ये मॉडल का ये लैपटॉप है। और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ से, शायद ये फ़ैन लगा हुआ है, गेमिंग है इसीलिए फ़ैन से हवा निकलेगा, यहाँ से पूरा पोर्शन जो दिया हुआ फ़ैन का। और बैटरी इसका जो है इनबिल्ट है, अंदर में है, बाहर में देख सकते हैं टाइप सी का पोर्ट है, HDMI का पोर्ट है, और ये भी कोई पोर्ट है, और ये आपका SD कार्ड का पोर्ट है, LAN पोर्ट है, चार्जिंग का पोर्ट है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में आपका अभी हवा निकलने के लिए जगह है, और एक USB का पोर्ट है। और आपका इस पोर्शन में क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं, ये आपका ऑडियो का पोर्ट है, यहाँ भी एक टाइप सी का पोर्ट है और USB का है, और इधर भी एयर निकलने के लिए हवा है। तो फ्रेंड देखो ये जो है ना, मैं अभी क्या करूँगा, इसमें चार्जर अपना अडेप्टर जो है वो लगाऊँगा, लगा के चेक करूँगा इसमें, मतलब क्या कंडीशन है लैपटॉप का। तो ये पीछे इसका चार्जर लगाने का पॉइंट है, इधर में लाइट जल रहा है इसका, ये आप अडेप्टर में देख सकते हैं लाइट जल रहा है ब्लू कलर का। तो इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, लगाने के बाद मैं इसे, अबे यार खुलेगा कैसे यार, लैपटॉप तो ऐसे ही खुलता है, अरे यार ये तो बहुत भारी है। ये देख सकते हैं इसका गेटअप, आप गेटअप देखो यार लैपटॉप का, यहाँ पर क्या है कि लाइट जल रहा है कुछ, तो अभी पावर स्विच भी यही दिया हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ एलियनवेयर डेल का लैपटॉप है, i7 है, ये आपका 6th जनरेशन है, i7 6th जनरेशन। मैं क्या करूँगा अभी इसे यहाँ से ऑन करूँगा, देखता हूँ ऑन होता है कि नहीं, ऑन हो गया तो बढ़िया। अरे यार ये तो ऑन तो हो गया यार, लेकिन बीच में ये क्या आ रहा है, ओ सेट, ये तो चलो ठीक है ऑन तो हुआ है, लेकिन बीच में ये हमारा लाइनिंग आया हुआ है, मतलब स्क्रीन समझो पूरा ख़राब। तो स्क्रीन का भाई कितना क्या दाम होगा पता नहीं है। ये जो लैपटॉप है आपका फुल गेमिंग लैपटॉप है, इसका मैं सबसे पहले देखूंगा, इसका प्रॉपर्टीज़ चेक करूंगा, मतलब सही में अंदर में है या फिर नहीं है। हाँ देख लो, ये 16 GB का रैम है और i7 6th जनरेशन है, एकदम सही है, लेकिन मार खा गया यहीं पे, आपका डिस्प्ले ये ख़राब है, मतलब आप बॉर्डर देख रहे हो डिस्प्ले, ये आपका चेंज करना होगा डिस्प्ले का, पता नहीं क्या दाम होगा, मिनिमम 8,000 से तो ऊपर होगा ही होगा। 10,000 का लैपटॉप है, 8,000 का स्क्रीन मिलेगा, मतलब 18,000 इसी हो गया। आप क्या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है इसमें, तो हमें ग्राफिक का जो ड्राइवर है वो भी मार के देखना होगा, मतलब ग्राफिक का ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं है, तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाला है मुझे पता नहीं है। तो लैपटॉप तो मैं ले लिया हूँ, यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, चेक करूँगा कैमरा, हमारा कैमरा
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैमरा चेक करूँगा, कैमरा बढ़िया है यार इसका। प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं चेक करता हूँ। ये तो 16 GB है ही, एकदम जो बोला गया वही है। i7 6th generation है, सही है। 2.60 GHz है स्पीड जो है, 2.60 GHz। चलो ठीक है, लेकिन मेन हो गया ये यार, ये ख़राब है। इसका मिनिमम दाम क्या होगा, 8000 रुपया स्क्रीन का दाम होगा। वाईफाई ये बढ़िया पकड़ रहा है वाईफाई। साउंड चेक करता हूँ, साउंड में मतलब लैपटॉप में साउंड होना चाहिए। गेम खेलो या फिर कुछ भी करो, मूवी वगैरह देखो, लैपटॉप में साउंड अगर ना हुआ तो कोई काम का नहीं। सुनाई दे रहा आपको साउंड, एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ से इतना साउंड आ रहा है तो कुछ चलाने के बाद अच्छा खासा साउंड आएगा। मतलब लैपटॉप बढ़िया ही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कीबोर्ड भी काम कर ही रहा है। अभी क्या देखना स्क्रीन का क्या प्राइस होगा, स्क्रीन मिलेगा ऑर्डर देना होगा, पता नहीं। तो अभी क्या है, लैपटॉप तो मिल गया भाई इतना दाम में, लेकिन इसमें क्या है, ये तो 128 GB SSD दिखा रहा भाई। 1 TB हार्ड डिस्क बोला गया तो 1 TB हार्ड डिस्क तो दिखता नहीं है, 1 TB हार्ड डिस्क तो नहीं दिख रहा भाई। मैं चेक करता हूँ इसके डिस्क मैनेजमेंट में जाके चेक करता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। केवल 128 GB का SSD लगा हुआ है बस, 16 GB रैम है, 128 GB SSD है। चलो ठीक है, लेकिन अभी क्या दाम में बिक्री होता पता नहीं। 10,000 तो मेरा लग चुका है, उसके बाद क्या लगेगा पता नहीं। अगर अच्छे दाम में बिक्री होगा तो प्रॉफिट है, नहीं अच्छे दाम में बिक्री होगा तो लॉस है मेरा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो, आप देखिएगा। अभी ये तो मैं देख आपको दिखा दिया हूँ, ये Alienware का जो लैपटॉप बहुत बड़ी 17 इंच का लैपटॉप है। तो ये 17 इंच का देख रहे हैं, मतलब आप बैग में कैरी करके कभी कैरी नहीं कर पाएंगे लैपटॉप को, घर में यूज़ करना होगा आपको लैपटॉप आपका। मतलब इतना बड़ा लैपटॉप है, उठाने में ही मतलब आपका हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब बैग में लेके आप कैरी करें तो बैग भी नहीं इतना बड़ा बैग मिलेगा आपको, मतलब काफ़ी बड़ा बैग आपको कैरी करना होगा, तो जो पॉसिबल है नहीं। ये आपका गेमिंग लैपटॉप केवल घर में होम यूज़ के लिए 17 इंच का, आप देख रहे हैं 17 इंच का डिस्प्ले। मतलब लैपटॉप बढ़िया है लेकिन आपका स्क्रीन ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन में आपका कम से कम तो 8000 रुपया कॉस्टिंग पड़ेगा, 10,000 रुपया लगा है, 8000 रुपया और लगेगा, और क्या लगा पता नहीं। 128 GB SSD लगा हुआ है, मिनिमम 500 SSD होना चाहिए, 1 TB स्टोरेज होना चाहिए। गेम रहेगा तो स्टोरेज तो लगेगा ही भाई। तो चलो चलते हैं, कैसा लगा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो।